हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आंवले की चटनी, बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए ये कैसे बनाई जाती है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आंवले की चटनी बहुत ही अलग तरीके से। ये मैंने आंवला लिया है, आंवले को मैंने काट लिया है। चटनी के अंदर हम डालेंगे एक चम्मच राई, दो चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा, ये उड़द की दाल है बिना छिलके की, चार लाल मिर्च साबुत, पांच हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ता और एक चम्मच नमक लेंगे। गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और मैंने इसके अंदर एक चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का। गैस को हम ऑन कर देंगे, तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। पहले तेल हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे इसे। सबसे पहले हम एक चम्मच राई डालेंगे, आप सरसों दाना भी डाल सकते हैं, दो चुटकी हींग, थोड़ा इसको तड़कने देंगे राई को। अब इसके अंदर जीरा डाल देंगे, उड़द की दाल, सभी चीजों को हम डाल देंगे, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा इनको भूनेंगे। अदरक डालनी है या लहसुन डालना है तो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच नमक, आप इस चटनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं 10 से 15 दिन, क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। अब हम इस आंवले को डाल देंगे और इसको गलाएंगे अच्छी तरह से। दो से तीन मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, आंवला हमारा गल गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा करके ही ब्लेंड करेंगे। अगर आपको इसमें मीठा डालना है, अगर आपको मीठी चटनी पसंद है तो आप एक चम्मच चीनी डाल लें या फिर गुड़ डाल सकते हैं। अभी हम इसको पहले ठंडा करेंगे, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। आंवला अब हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और सभी चीजों को ब्लेंड कर लेंगे। पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा ही पीसना है हमें इसे। तो देखिए तैयार है मेरी आंवले की चटनी। ये देखिए मैंने इसे सिर्फ मोटा मोटा ही ग्राइंड किया है, पेस्ट नहीं बनाया। बहुत ही पौष्टिक होती है आंवला, वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो आंवला मार्केट में आने भी लगा है। तो सबसे पहले मैंने अभी ये चटनी ही बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।